इसका लेक्चर नंबर 35 ना। कल जो है हमने आयलर लग्रांज इक्वेशन जो है उसको स्टार्ट किया था। और आयलर लग्रांज इक्वेशन जो है मैंने इस इक्वेशन पर हमने ख़त्म किया था कि डी आई ऑफ अल्फा ओवर डी अल्फा इज इक्वल टू एक्स वन से एक्स टू ब्रैकेट करली एफ ओवर करली वाई अल्फा माइनस डी ओवर डी एक्स करली एफ ओवर करली वाई अल्फा प्राइम ब्रैकेट क्लोज ईटा ऑफ एक्स डी एक्स। ये इक्वेशन राइट डाउन की थी। तो अगर इस इक्वेशन पे मैं यहां पर ले लूं कि दैट इज अल्फा जीरो के ऊपर है ये, तो इसको आप ज़ीरो के बराबर सब्सटीट्यूट जो है वो कर दें। तो इसको ज़ीरो के बराबर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डी आई ऑफ अल्फा ओवर डी अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि ये सारी टर्म जो है ये ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं कि एक्स वन से एक्स टू करली एफ ओवर करली वाई अल्फा माइनस डी ओवर डी एक्स करली एफ ओवर करली वाई अल्फा प्राइम ब्रैकेट क्लोज अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो ईटा ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, फर्दर इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि एक्स वन से एक्स टू ब्रैकेट शुरू करली एफ ओवर करली वाई अल्फा माइनस डी ओवर डी एक्स करली एफ ओवर करली वाई अल्फा प्राइम ब्रैकेट क्लोज ईटा ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम जो फंडामेंटल थ्योरम है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का उसको अप्लाई करेंगे। तो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, तो जो फंडामेंटल थ्योरम है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का उसके मुताबिक अगर हमारे पास एक्स वन से एक्स टू तक एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स ज़ीरो के बराबर है, तो इसमें जी ऑफ एक्स वन और जी ऑफ एक्स टू, जी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू ज़ीरो होगा और जी ऑफ एक्स टू भी ज़ीरो के बराबर होगा।
तो फिर इसका मतलब है कि अगर ये भी जीरो के बराबर है तो देन एफ ऑफ एक्स जो है दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो फिर ये भी जीरो, एफ ऑफ एक्स जो है ये भी जीरो के बराबर होगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स भी जीरो है तो फिर इसका मतलब है कि ईटा ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू जीरो और ईटा ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है कि फिर इस इक्वेशन के अंदर ये ईटा ऑफ एक्स जो है वो जीरो के बराबर जो है वो हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा यहां से। यानी कि ये वाली टर्म जो है ये दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो बट दिस टर्म विल बिकम इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई माइनस डी ओवर डी एक्स कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई प्राइम इज इक्वल टू जीरो। या इसको आप लिख सकते हैं कि डी ओवर डी एक्स कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई प्राइम माइनस कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये हमारे पास जहां पर जो एफ है इसको कोई कह दे कि ये पूरी इक्वेशन जो है ये ए के बराबर है और एफ जो है यहां पर वेयर एफ फंक्शन है वाई ऑफ एक्स कामा वाई प्राइम ऑफ एक्स कामा एक्स का। तो ये जो इक्वेशन ए है इस इक्वेशन ए को हम कहते हैं आयलर लग्रांज इक्वेशन। दिस इक्वेशन ए इज नोन एज आयलर लग्रांज इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन ए है इसको आप आयलर लग्रांज इक्वेशन कहते हैं, लेकिन ये अभी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, ये सिर्फ आयलर लग्रांज इक्वेशन है, नॉट द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो आपका फंक्शनल है दस द फंक्शनल आई ऑफ वाई, ये जो फंक्शनल आपने लिया था आई ऑफ वाई हैज लीस्ट वैल्यू तो इसकी लीस्ट वैल्यू है इफ एफ सेटिस्फाई अगर एफ जो है वो सेटिस्फाई करता है द आयलर लग्रांज इक्वेशन। If curly F over curly Y prime minus curly F over curly Y is equal to zero। तो अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ये जो आयलर लग्रांज इक्वेशन आ गई है, तो आपके पास एक्चुअल पाथ जो है वो आपको ऑब्टेन हो जाएगा जो कि वाई ऑफ एक्स के लिए, यानी कि एक्चुअल पाथ वो पाथ के जो लीस्ट पाथ है
जिससे वो जिसको वो अख्तियार करेगा पॉइंट एक्स वन से एक्स टू की तरफ जाने के लिए, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। तो इफ वी सॉल्व दिस इक्वेशन तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें वी गेट द एक्चुअल पाथ y of x। तो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर सिमिलैरिटी है विद लैग्रांज इक्वेशन, ठीक है। दिस इक्वेशन हैज similarity with Lagrange equation। क्योंकि Lagrange के अंदर भी आपके पास जो फंक्शन है Lagrangian L Q कामा Q डॉट कामा T के बराबर होता है, ठीक है। और इसके कारस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन आप लिखते हैं वो डी ओवर डी टी करली एल ओवर करली क्यू डॉट माइनस करली एल ओवर करली क्यू इज इक्वल टू जीरो के बराबर राइट होगा। तो ये इक्वेशन देखें और इस इक्वेशन को देखें तो दे हैव सिमिलर फॉर्म, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो थी ये फर्स्ट टाइप ऑफ आयलर लग्रांज इक्वेशन थी। अब हमने जो सेकेंडली स्टडी करना है वी हैव टू सी सेकेंड फॉर्म ऑफ आयलर लैग्रांज इक्वेशन। अब हमने जो सेकेंड फॉर्म है आयलर लैग्रांज इक्वेशन की उसको कैलकुलेट करना है। मटा दो इसे, इस तरह से मटा देता हूं। तो सेकंड टाइप ऑफ आयलर लैग्रांज इक्वेशन, तो जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है आयलर लैग्रांज इक्वेशन की जो हमने अभी ड्राइव की है, the first type is d over dx curly f over curly y prime minus curly f over curly y is equal to zero। इसको क्या है इक्वेशन नंबर वन है, ठीक है। और यहां पर f जो है वो फंक्शन है y of x, y prime of x, comma x, ठीक है। ये इसका फंक्शन है। अब आप इसको ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं इसको लिखूं कि डी एफ ओवर डी एक्स इज इक्वल टू करली f ओवर करली y करली y ओवर करली x और फिर प्लस करली f ओवर करली y प्राइम और करली y प्राइम ओवर करली x, फिर प्लस करली f ओवर करली x और करली x ओवर करली x। तो इसको आप फर्दर वी कैन राइट
डी एफ ओवर डी एक्स इज इक्वल टू करली एफ ओवर करली वाई ओवर करली एक्स प्लस करली एफ ओवर करली वाई प्राइम ओवर करली एक्स, और यहाँ से ये प्लस करली एफ ओवर करली एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा और करली एफ ओवर करली एक्स बाकी रह जाएगा। तो अब हम अगर यहाँ पर हम एक टर्म अज्यूम करें कि डी ओवर डी एक्स जो है, ठीक है, ये वाई प्राइम करली एफ ओवर करली एक्स के बराबर है। तो डी वाई प्राइम ओवर डी एक्स करली एफ ओवर करली वाई प्राइम प्लस वाई प्राइम डी ओवर डी एक्स करली एफ ओवर करली वाई प्राइम। इसके ऊपर यू इंटू वी जो है वो हमने अप्लाई कर दी है। तो इसको फर्दर वी कैन राइट डाउन डी ओवर डी एक्स वाई प्राइम करली एफ ओवर करली एक्स, इसको लिख लें करली एफ ओवर करली वाई प्राइम डी वाई प्राइम ओवर डी एक्स प्लस वाई प्राइम डी ओवर डी एक्स इंटू करली एफ ओवर करली वाई प्राइम। अच्छा, इसको जो ये इक्वेशन लिखी थी आपने, इसको कह दें कि ये इक्वेशन नंबर टू है, ठीक है, और ये जो इक्वेशन आई अब इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर थ्री है। तो सब्ट्रैक्ट करें थ्री फ्रॉम टू, सब्ट्रैक्ट थ्री फ्रॉम टू, यानी कि तीन में से उस दो को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डी एफ ओवर डी एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स वाई प्राइम करली एफ ओवर करली वाई प्राइम इज इक्वल टू करली एफ ओवर करली वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस करली एफ ओवर करली एक्स माइनस वाई प्राइम डी ओवर डी एक्स करली एफ ओवर करली वाई प्राइम। वो करली एफ ओवर करली वाई ओवर करली वाई प्राइम ओवर करली एक्स वाली टर्म जो है वो क्या होगी, वो कैंसल आउट हो जाएगी, तो पीछे ये इक्वेशन जो है ये बच जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये इक्वेशन जो है इसको हम फर्दर राइट डाउन कर सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू करली एफ ओवर करली वाई वाई प्राइम, करली एफ ओवर करली वाई वाई प्राइम और माइनस y प्राइम d ओवर डी एक्स इंटू करली एफ ओवर करली y प्राइम प्लस करली f ओवर करली x। ठीक है, तो इसको अब फर्दर आप
राइट डाउन कर सकते हैं इस इक्वेशन को कि इसके अंदर से अगर मैं माइनस वाई प्राइम जो है उसको कॉमन निकाल, यहां पर माइनस वाई प्राइम जो है इसे कॉमन निकालूं, तो डी ओवर डी एक्स करली एफ ओवर करली वाई प्राइम माइनस करली एफ ओवर करली वाई, और प्लस करली एफ ओवर करली एक्स। वहां से माइनस वाई प्राइम को कॉमन जो है वो निकाल लिया। अब इसके अंदर जो इक्वेशन नंबर वन है, अगर आप इसको देखें तो क्या ये कोई इसी तरह की चीज बन रही है? ये जो है ठीक है ना, ये इसी तरह की चीज ही बन रही है। तो आप इसके अंदर यूज करें इक्वेशन नंबर वन को, यूज इक्वेशन वन, तो इसके अंदर इक्वेशन वन को यूज करेंगे तो दैट विल बिकम माइनस वाई प्राइम इंटू जीरो प्लस करली एफ ओवर करली एक्स। तो इसका मतलब है कि जो अब हमारे पास इक्वेशन बच गई, दैट विल बिकम डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ माइनस वाई प्राइम करली एफ ओवर करली y प्राइम, ठीक है, दैट इज इक्वल टू करली f ओवर करली x। अब इसको मैं इस तरफ ले जाऊं तो d ओवर डी एक्स एफ माइनस वाई प्राइम करली f ओवर करली y प्राइम माइनस करली f ओवर करली x इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन जो है इसको हम कहते हैं सेकंड टाइप ऑफ आयलर लैग्रांज इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है दिस इज दी सेकंड टाइप ऑफ द आयलर लैग्रांज इक्वेशन। तो अगर यहां पर आप इफ एफ जो है वो फंक्शन है वाई और वाई प्राइम का सिर्फ, तो फिर करली एफ ओवर करली एक्स जीरो के बराबर होगा। तो अगर कर लिया एफ ओवर कर लिया एक्स जीरो के बराबर है तो इसका मतलब है कि डी ओवर डी एक्स इंटू एफ माइनस वाई प्राइम करली ओवर करली वाई प्राइम इज इक्वल टू जीरो, वो वाली टर्म वहां से जीरो के बराबर आ जाएगी। तो अब आप इसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ माइनस y प्राइम करली f ओवर करली y प्राइम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसलिए जो सेकंड टाइप है इसकी आयलर लैग्रांज इक्वेशन की, thus the second form of Euler Lagrange equation, इसलिए जो second form है Euler Lagrange equation की is convenient for
फॉर फंक्शनल या फंक्शंस एफ दैट डू नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड एक्स ऑन एक्स करली एफ ओवर करली एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये तो सेकंड फॉर्म है। इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन एफ है वो एक्स पर भी डिपेंडेंट हो। ठीक है, उस पर एक्स की डिपेंडेंस के बगैर भी हम इक्वेशन जो है उसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो अगर वो एक्स पर डिपेंडेंट नहीं है तो फिर उस इक्वेशन के अंदर जो इधर ये आ रहा है करली एफ ओवर करली एक्स ये जीरो हो जाएगा और सिर्फ डिपेंडेंस जो है वो वाई और वाई प्राइम के ऊपर जो है वो रह जाएगी। ठीक है जी, तो ये दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ आयलर लग्रांज इक्वेशन। अच्छा, इसके आगे अब इसकी एक एप्लीकेशन है, वो मैं नहीं करूँगा, वो बड़ी आसान सी है। ठीक है, तो उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है एक दो पॉइंट्स के दरमियान एक प्लेन है जो कि स्ट्रेट लाइन है। ये मैं आपको इसकी ना इसको ड्राइव किया हुआ इसको मैं इसकी फिगर जो है बना के आपको भेज दूँगा। अब मैं आगे जो है वो जियोडिसिक्स जो हैं उनको डिस्कस करूँगा, वो भी जियोडिसिक्स जो हैं वो भी इसी की एप्लीकेशन है आयलर लग्रांज इक्वेशन की। नो, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जियोडिसिक। अब आमतौर पर वो कर्व्स के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान में देते हैं किसी सरफेस के ऊपर, उनको हम जियोडिसिक्स का नाम देते हैं। यानी कि किसी सरफेस के ऊपर वो कर्व कि जिनसे आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो मिल सके, उनको हम जियोडिसिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो इन जनरल द कर्व्स दैट गिव द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के जो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ए गिवन सरफेस आर कॉल्ड जियो डिसिक, इनको जियोडिसिस का नाम देते हैं ऑफ द सरफेस। यानी कि ऐसे कर्व जो सरफेस के ऊपर ड्रा किए जाएं और वो कर्व जो हैं दो पॉइंट्स के दरमियान उस सरफेस के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दें तो उसको जियोडिसिक का नाम हम देते हैं। यानी कि वो जो शॉर्टेस्ट है उसको क्या कहते हैं, इसका स्पेलिंग जी ई ओ डी ई एस आई सी जियोडिसिक। अच्छा, अब अगर आपके पास जो है वो सरफेस वो प्लेन है, ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट है कि इफ द सरफेस इज प्लेन, अगर सरफेस जो है वो प्लेन है देन जियोडिसिक इज ए स्ट्रेट लाइन।
तो फिर जी आर डी सी जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी अगर सरफेस प्लेन है, पहला पॉइंट। दूसरा, इफ द सरफेस इज ए स्फीयर, अगर सरफेस जो है वो स्फीयर है, देन जियोडिसिक इज ए ग्रेट सर्कल। तो फिर जियोडिसिक जो है वो एक ग्रेट सर्कल होगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज आपके पास हो सकती हैं। ग्रेट सर्कल इसलिए कि वो देखो सरफेस है ना, तो सरफेस के ऊपर जो स्फीयर आप बनाएंगे वो स्फीयर 3D के अंदर तो नहीं होगा, तो वो तो 2D के अंदर होगा, तो वो एक तो ग्रेट बड़ा सर्कल जो है वो सरफेस के ऊपर बन जाएगा। ठीक है, वो अभी हम वही निकाल कर देखने लगे हैं, अभी हमें समझ आ जाएगी कि वो किस तरह सर्कल जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसी को ही हमें प्रूव करना है कि ये सर्कल कैसे बनता है। क्योंकि सरफेस की बात हो रही है तो सरफेस के अंदर तो 2D के अंदर ही जाएंगे ना, 3D में तो नहीं जा सकते। तो अब हमने यही प्रूव करना है, क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट द जियोडिसिक ऑन द सर्फेस ऑफ ए स्फीयर इज ए ग्रेट सर्कल। ये दूसरे वाला जो है वो हमने इसको प्रूव करना है कि वो एक ग्रेट सर्कल है। तो प्रूफ जो है वो हम इसका देखते हैं। तो कंसिडर करें एक सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कंसिडर ए सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक सरफेस ऑफ स्फीयर कंसिडर कर रेडियस आर की एंड उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर है, एंड द सेंटर एट द ओरिजिन, और उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर है। अब यहां पर आप पॉइंट्स लें, लेट ए एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू, ये दो पॉइंट्स हैं। ये दो पॉइंट्स हैं और टू पॉइंट्स on the surface of sphere, ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं सरफेस ऑफ स्फीयर के ऊपर। और अब यहां पर जो एलिमेंट ऑफ लेंथ होगा इन स्पेस, द एलिमेंट of the length in the space, और जो element of length है space के अंदर, that will be equal to ds is equal to dx square plus dy square plus dz square
का अंडर रूट। और अब जो रिलेशन है कार्टिजियन और सेफेलिकर पोलर कोऑर्डिनेट्स के दरमियान, चूंकि स्फीयर की बात कर रहे हैं तो फिर हम इस प्रॉब्लम को किस में सॉल्व करेंगे, स्फीयर के अंदर जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एक्स जो है वो आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड जो है ये आर कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। जी मैं वहाँ आ चुका, बस इसको यहीं तक रखें, ठीक है।